हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? ये देखो, ये मेरे हाथ में एक वन प्लस 6 है, अभी अभी हाल नहीं आया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने वीडियो प्ले कर रहे थे अपने, और वीडियो में चलाते चलाते ये डेड हो गया है। तो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा कि ये एक रीडिंग कितनी ले रहा है। एक छोटा सा डायग्राम सर, कुछ नहीं है, ठीक है? तो पहले तो इनके कैमरे निकाल लें, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कैमरे होंगे, है ना? तो अगर हम इनकी चार्जिंग का लें तो हमें पता चले कि ये कितना ले रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइए, आइए देखो, हमने ये सारी केबल लगा दी हैं, और जैसे हम इसमें लगाते हैं तो देखो 1.1 एम्पीयर ले रहा है। पर 1.1 एम्पीयर से पर हम ये नहीं बोल सकते ना सेट हो गया, क्योंकि 1.1 ले रहा है, और जबकि ये 1.8 के ऊपर जाना चाहिए, और बैटरी भी पूरी चार्ज है, फिर भी ये इतना ले रहा है, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो बनाते बनाते फोन बंद हो गया, और ये ऑलरेडी है ना मार्केट में, इसमें काफ़ी काम हो चुका है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा मार्केट में इसमें काम क्या हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो देखिए, मार्केट में इसके ये जो दिखाई दे रहे हैं आपके, ये सीपीयू इसका रिबॉल है। और देखो, जिसने भी बंदे ने रिबॉल किया है, तो मतलब भाई ऐसे ही बिना क्लीन व्लीन किए हुए है, पेस्ट वेस्ट डाला है, तो यही रीजन है वो बंदे ने देखो पेस्ट डाला हुआ छोड़ दिया है। और इस ये कह सकते हैं कि क्योंकि वीडियो चलाते समय सीपीयू ऑब्वियस है कि हम ज्यादा रनिंग टाइम पे अच्छे अच्छे मोबाइल हीट कर जाते हैं, और यहाँ पर सीपीयू हीट कर गया होगा, और पेस्ट पहले से था, तो ये वजह से कि हमारा रैम या सीपीयू में को मेल्ट हो गया है। सो देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसा पता चलेगा। हम इसका रैम निकालेंगे, अगर रैम निकालकर ये सीपीयू की मान लो बेसिकली रीडिंग पे नहीं आता है, या सीपीयू की रीडिंग पे आता है, तो पता चल जाएगा, नहीं तो उसका सीपीयू रिबॉल होगा, क्योंकि सीपीयू का ही प्रॉब्लम है। तो चलो इसका रैम निकाल देते हैं, यहाँ पे दिखाइए। तो हमने यहाँ पे बोर्ड में लगा लिया, रीडिंग वो देख लो कितने में क्या में निकाल रहे हैं, ठीक है? ये ऑलरेडी निकली होगी, तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक ये ना लेके ये ले लेता हूँ खाली। देखो, हमने रैम निकाला है फिलहाल, और मैं दिखाना चाहूँगा। तो फिलहाल हम सिर्फ रैम निकाल के ये चेक करेंगे कि हमारे रैम का या इशू है या क्या है, या हमें पूरा सीपीयू रिबॉल करना है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मैटर दोनों का हो सकता है। देखो, टेक्नीशियन से मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, एकदम बहुत नेक्स्ट लेवल का अच्छा काम कर रहे हो। पर ये ऐसा काम मत करो, अगर आप किसी को इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप पेस्ट को क्लीन करके दो। पेस्ट को क्लीन करके नहीं दोगे ना, तो आपका कस्टमर वापस आएगा ही आएगा, और ये रीज़न यही है। अब इसको क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये रीडिंग उठा रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता भी चल जाएगा ये रीडिंग क्या उठा रहा है, क्या ये स्टक होता है कि नहीं। MC1 लगता है भाई इसमें। तो देखो, सेम रीडिंग आ रही है आपको, नोटिस करो जो रीडिंग आपको। अच्छा, पहले हमने रीडिंग ली थी क्या इसकी? नहीं, भूल गए थे ना रीडिंग लेना, रीडिंग लेना भूल गए थे। तो सेम जो रीडिंग आ रही है वही रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये देखो, रैम निकालने के बाद भी आप देखो रीडिंग जबकि इसकी स्टक होनी चाहिए, रिटर्न आ रही है, नोटिस कर रहे हो? देखो, रैम निकालने के बाद में ये रीडिंग स्टक होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि इसमें मैटर सीपीयू का ही है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, हम यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं जल्दी जल्दी, और इसका हम सीपीयू रिबॉल करेंगे। बट ये सब ये वीडियो में नहीं आएगा, हम रिबॉल करके लास्ट फाइनल आपको दिखा देंगे, क्योंकि ये सीपीयू रिबॉल के तो क्या ही दुनिया में इतने वीडियो डाले हैं, क्या इस पर वीडियो बनाने, हमको तो बेसिक काम दिखाना है जो प्रोफेसर्स के लिए है। ये वाले काम दिखा के कोई मतलब निकलता नहीं है, बट इसका रिजल्ट हम जरूर बता देंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, एक डायोड रीडिंग ले लेते हैं ये आपको बताने के लिए। ये देखो, तो यहाँ पर कोई पुराना दिखाना चीज़ें शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है, रीडिंग आ रहा है, ये भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर्स होते हैं ना, ये हमारे सीपीयू के हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी हो, तो ये हमारे रैम का कैपेसिटर है, ये भी सही 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 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जल्दी से एक वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट कैपेसिटर है वो तो हमने चेक कर लिया,
वोल्टेज चेक करने से क्या होगा कि वोल्टेज चेक करने से क्या होगा, तो अगर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वोल्टेज। चलो देखो, अब हम इसमें चार्जर लगाएंगे और ये चेक करेंगे कि इसके बराबर वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही, मतलब फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है एटलीस्ट। नहीं तो कैसा है, सीपीयू और रैम लगाने से भी कोई मतलब नहीं है, इसका पावर एसी से कॉल करना पड़ेगा या इसका फ्लक्चुएशन समझना पड़ेगा कि कहीं शॉर्टिंग है कि तो नहीं है। देखिए अब हम इसको वोल्टेज से कर रहे हैं डीसी, ठीक है, और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो 1.8 वोल्टेज स्टेबल है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, अगर होते तो यहीं पे पता चल जाते। 1.1 भी आ रहा है, 1.1 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही काम है, इसमें सीपीयू रिवॉल्व होना है बस, और ये आपको अभी रिजल्ट देता हूं मैं।
तो देखो अभी हमने इसका सीपीयू रिबॉल किया है, और इसका सीपीयू रिबॉल करने के बाद में इसकी जो रीडिंग वो स्टक हो गई है। पहले इसकी रीडिंग स्टक नहीं थी जैसा कि मैंने बताया, अब इसकी रीडिंग स्टक हो गई है।
तो देखो ये मोबाइल हो गया चालू, ठीक है। इसी मोबाइल की मैं बात कर रहा था और सिर्फ सीपीयू रिबॉल से और रैम से सही तरीके से अब रिबॉल किया है और अब मुझे नहीं लगता कि ये वापस आएगा क्योंकि इसमें ट्रिक यूज़ की गई है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल DSO और UTD 2 चैनल DSO की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20 से 80,000 तक होती है। अभी डाउनलोड करें एशिया टेलीकॉम आईफोन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से।